सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। कला प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, ये साल अभी शुरू हुआ है और चलिए सबसे पहले सभी दर्शकों को हम कहेंगे नया साल अभिनंदन। ये साल 2023 जो शुरू हुआ है, ये बहुत अच्छा साल जी शुरू हो रहा है और मैं सोचती हूँ बहुत से लोग नई आशाओं के साथ, नए नए विचारों के साथ, नए उमंगों, नए मस्तियों के साथ ये साल शुरू कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें। तो आज हम कला प्रोग्राम में अनेक कलाकारों से आप लोगों को मिलवाएंगे। ये भी सोच रहे हैं कि हमने ये किया पिछले साल और इस साल में हमको क्या करना है, इस सब पर थोड़ा हम विचार करेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, हमारे साथ बहुत सारे कलाकार हैं आज, और इन सभी कलाकारों को आप मिलेंगे, उनको सुनेंगे और हो सकता है हमारे जो नौजवान है बहुत कुछ इस प्रोग्राम के ज़रिए सीख सकेंगे। तो चलिए अभी के लिए हम मिलवा रहे हैं विक शिवदयाल जी से, और हमारे साथ रवीन जैरी जी हैं, प्रविता जी हैं। और हम बता देते हैं आपको कि अनेक कलाकार आए हुए इस प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले विक शिवदयाल जी, आप तो लेक्चरर हैं MI में और बहुत अच्छा प्रोग्राम पिछले साल हमने किया था आपके यहाँ। और मैं ये जानना चाहूँगी आपके लिए पिछले साल 2022 कैसा रहा? नमस्ते। हमारे लिए 2022 बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत सारे चीज़ हमने किए जो कला के लिए बहुत सुंदर था, और बहुत सारे टेक्निक्स जो है ना, स्टाइल्स जो है ना, हमने एक्सप्लोर किया। और पिछले साल अच्छा था इसलिए कि हमने बहुत सारे नए तरह की कलाकृति बनाए। एक उदाहरण है कि हमने एक बहुत बड़ा जो 30 मीटर का स्कल्पचर है उसको हमने बनाया, जो फिनिक्स बेवरेजेस के राउंड अबाउट में है। हम इंडियन कलाकारों के साथ मिलकर और कुछ मॉरिशन कलाकारों के साथ मिलकर हमने वो प्रोजेक्ट को अंजाम किया। रवीन जी थे, कांता किशोर जी थे, निशाल जी थे और जगजीवन नायक जी थे इंडिया से, और के साथ अन्य जो भारतीय कलाकार थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था मॉरिशस के कला सीनरी के लिए, क्योंकि कभी इतना बड़ा स्कल्पचर जो है ना, जो स्क्रैप से बना हुआ है, नहीं था मॉरिशस में। मान लीजिए कि इंडियन ओशन में ये सबसे बड़ा स्क्रैप का सुंदर है, हाँ, बहुत सुंदर स्कल्पचर है। तो ये हमारे लिए बहुत एक्सपीरियंस लाया हमारे लिए, और हमने बहुत कुछ सीखा भी, बहुत सारे आइडियाज शेयर किया भी। और एक अकेले का प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें इंजीनियर्स भी थे, आर्किटेक्ट्स भी थे, लैंडस्केपर्स भी थे, और ये बहुत सारे अनेक इंसानों ने साथ अपने एफर्ट्स जो हैं साथ मिलाकर लगाकर उस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। और फिर हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना, मिलकर लोकल आर्टिस्ट के साथ, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ मिलकर बहुत सारे ऑनलाइन एग्जीबिशन भी किए और ग्रुप एग्जीबिशन भी किए। और ये 2022 रिच था इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशन हुए जहाँ पर सिर्फ चित्रकला नहीं, शिल्पकला भी थे, और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, फैशन शो, ये सब का मिश्रण था ऐसे ऐसे एग्जीबिशन में हमने एक्सपीरियंस किया। और जो 2023 है, इस साल में हम और ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे और बहुत सारे अच्छे एग्जीबिशन को हम रियलाइज़ करेंगे। इस साल के लिए क्या आपके लिए कुछ नया कर रहे हैं? हाँ, इस साल के लिए हमारा लिस्ट जो है ना, प्रोजेक्ट का, आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट का, बहुत लंबा है। हमारे बहुत सारे मुलाकात हुए जब हम इंडिया में थे हाल ही में, तो बहुत सारे आर्टिस्ट से मुलाकात हुए, ऐसे ऐसे इंसानों से मुलाकात किया जो कुछ करना चाहते हैं आर्ट के लिए। तो हम सोच रहे हैं इस साल हम कुछ ग्रुप में करेंगे, जैसे कि मान लीजिए इंडिया से चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, मुंबई है, और नेपाल भी है,
वहाँ से बहुत सारे बढ़िया आर्टिस्ट हैं। तो हम सोच रहे हैं कि मॉरिशस में हम एक ग्रुप एग्जीबिशन करेंगे इस कलाकारों, इस सब कलाकारों को लेकर। तो इस साल बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, एग्जीबिशन भी होगा, कॉन्फ्रेंसेस भी ऑर्गेनाइज करेंगे, वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे, और बहुत सारे जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं ना, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। विक्षिप दयाल जी, बहुत धन्यवाद। और ये आशा करते हैं जो कुछ आपने सोचा है इस साल, ये सब आप पूरा करेंगे, और हमारे जो दर्शक है वो भी जो कुछ आप उन लोगों को दे रहे हैं, इससे उन लोगों का मनोरंजन भी होगा और कुछ ना कुछ सीखेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब हम आपको एक परिवार से मिलवाएंगे, एक फैमिली से मिलवाएंगे। इनमें से पिता जो है, माता है, बच्चे सब कलाकार हैं। चलिए आपको मिलवा रहे हैं जड़ी परिवार से। रवीन जी हैं, उनकी बेटी है रश्मि, पत्नी है प्रविता, ये सब कलाकार हैं। और खुशी हो रही है इन लोगों से मिलकर, और इनके यहाँ जब आप जाएंगे तो पूरा उनका घर जो है एकदम सुंदर है, बहुत ऐसे जो पेंटिंग्स है बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम आपको मिला रहे हैं। प्रविता जी, आपकी बेटी वो अभी अभी पढ़ाई कर चुकी है, वो बी ए हॉनर्स इन फाइन आर्ट्स कर चुकी है। तो हम ये जानना चाहेंगे और क्या आप करना चाहती हैं रश्मि? तो एज यू सेड, आई जस्ट डिड माय डिग्री इन फाइन आर्ट्स। नाउ आई एम एमिंग फॉर माय मास्टर्स एंड लेटर ऑन टू बी एन आर्ट टीचर। Mm-hmm. And in the meantime, I'm helping my father in his artworks. Mm-hmm. For me, it is also like an experience, as it will enrich me in my journey, in my art journey ahead. Ravin ji, आप तो बहुत पहुँचे हुए कलाकार हैं, artist हैं। इस साल के लिए क्या करना चाहेंगे आप? क्या है आपके plan में? इस साल बहुत से काम हैं, जैसे बहुत से बड़ा बड़े स्क्रिप्चर्स हम बनाएंगे फाइबर ग्लास से जो हमने शुरू कर दिया है। और जैसे अब महाशिवरात्रि के फेस्टिवल आ रही है, बहुत से बड़े बड़े से मूर्ति बनेंगे अभी पॉलिस्टायरिन से, और लकड़ी का काम भी बहुत होगा, इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डिज़ाइन। घर हैं बनाने के लिए पर्सनल, जैसे हम कोई भी जो काम उनके विचार से बनाने चाहते हैं हम वो करेंगे। और होटल में बहुत से काम है अभी, क्योंकि गल 2 साल जब कोविड थे, होटल में काम ठप पड़ गया था ना। हाँ, अब बहुत से न्यू आइडियाज आ रहे हैं, न्यू कॉन्सेप्ट। सो इसके इस विचार से हम बहुत से काम बनाएंगे, बहुत से एलिवेशन, जैसे बिफे एलिवेशन, टेबल एलिवेशन। अच्छा, नए विचार लाएंगे अभी। अच्छा, और ये सब विचार जो है कैसे आपको मिलता है? सोचते हैं और विचार कैसे आते हैं? जैसे हम होटल में काम करते हैं, वहाँ जाकर हम जीएम से मिलते हैं, जो शेफ हैं होटल में, उनसे बात करते हैं और उनके विचारों द्वारा हम ये सब कॉन्सेप्ट डिज़ाइन करते हैं बनाते हैं डिज़ाइन करते हैं और बताते हैं, अगर बताकर प्रैक्टिकल भी करते हैं। और अगर सब ठीक हुआ हम प्रोसीड करते हैं बनाने के लिए। अच्छा, तो इसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है ना, आपने सोचना चाहिए कि कैसे उसको डिज़ाइन दे, ये सब ना। मेहनत तो सब काम में मेहनत ही है। हाँ। कैसे कहेंगे ये तो, लेकिन आप में है वो कला, गिफ्ट है वो कला है जो ज़्यादा आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, वो ऐसे ही नहीं दिमाग लगाना पड़ता है मगर आसानी से चला आता है। हाँ।
क्योंकि बहुत से एक्सपीरियंस है, 35 इयर्स एक्सपीरियंस इन होटल्स, बहुत बहुत अनुभव है, बहुत अनुभव है, और इसके द्वारा हम अपने काम करते हैं। और आपकी पत्नी भी, वो कॉलेज में भी काम करती हैं और बहुत अच्छी वो डिज़ाइन, वो पेंटिंग्स भी करती हैं। तो प्रविता जी, आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। नमस्ते। सबसे पहले मैं सभी को नया साल अभिनंदन करती हूँ। मैं कॉलेज में काम करती हूँ, उसके बावजूद भी मैं कुछ समय निकाल कर थोड़ा सा ड्राइंग, पेंटिंग और बहुत से कुछ बनाती रहती हूँ। वैसे तो सभी लोगों में एक खास कला होती है, लेकिन वे अपने कला को पहचान नहीं पाते हैं। जी प्रविता जी, आप इस साल आपने सोचा है कोई प्लान, क्या करना चाहती हैं? मैं हर साल कुछ न कुछ सोचती रहती हूँ नया बनाने के लिए। हाँ। अभी इस साल भी शायद दिमाग में कुछ आएगा और बनाऊंगी। दर्शकों, अब एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाएंगे जो अध्यापिका हैं और उसके साथ बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। आइए, आपको मिलवा रहे हैं नशरीन बानू आशिक जी से। नशरीन जी, आप आपके साथ बहुत अच्छा प्रोग्राम हाल में हुआ, और थोड़ा अपने बारे में आप बताएं। मैं उर्दू पढ़ाती हूँ क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज में। दरअसल मैंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। बीए उर्दू के साथ साथ मैंने फ़ाइन आर्ट्स भी स्टडी की है। तो यहाँ पर मैं उर्दू पढ़ाती हूँ, लेकिन स्कूल के बाद मैं पेंटिंग भी करती हूँ। इस साल मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर काम किए हैं, जैसे कि मैंने 3 बुक कवर्स किए हैं, 3 पेंटिंग्स किए हैं मिस्टर असद बगला के लिए, जो उन्होंने अपनी बुक पर, अपनी किताबों पर आज कवर जो है इस्तेमाल किए हैं। इसके लिए मुझे काफ़ी सराहा गया है, बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और उसके बाद मैंने बच्चों के लिए कुछ एनजीओज़ के लिए उनके साथ मिलकर मैंने बच्चों के लिए वर्कशॉप किए हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर के लिए भी एक पेंटिंग की है। उसके बाद मैंने कुछ एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किए हैं, जैसे कि मैं ACA यानी देव चौहान आर्टिस्ट हैं एसोसिएशन, उनके एसोसिएशन के मेंबर हूँ। हाँ। तो उनके साथ भी मैंने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किए हैं। साल 2022 में मेरा सबसे आखिरी प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ एक वर्कशॉप करना। वो हमने कुछ NGOs के साथ गरीब बच्चों को अपने राइट्स के बारे में सेंसिटाइज करने के लिए हमने उनके साथ एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया प्लाजा में। तो वहाँ पर उन बच्चों को किस तरह उनको ये बताया कि उनका जो राइट्स होते हैं, तो आमतौर पर बच्चों को उन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता है। तो आर्ट के ज़रिए हमने उनको सिखाया उनके राइट्स टू एजुकेशन, राइट्स के राइट्स टू क्लीन वाटर, राइट्स टू एयर, राइट्स टू गुड फूड। तो उन सब के आर्ट के ज़रिए हमने उनके साथ एक वर्कशॉप किया, उनको सिखाया कि उनका क्या क्या हक है। अब इस साल 2023 में दरअसल अभी हाल ही में मैं एक पिकासो के कोट के को पढ़ा मैंने। उससे मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ, मुतासर हुआ। मैं काफ़ी मुतासर हुई, इन्फ्लुएंस हुई। वो इसमें लिखा था कि द मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ टू लुक फॉर योर गिफ्ट एंड द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ टू गिव इट अवे। यानी ज़िंदगी का मतलब है आप अपने अंदर का कला जो है ढूंढना, और उसका ज़िंदगी का मकसद है यही कला दूसरों के साथ बांटना। तो मेरे अभी मैं सोच रही हूँ कि 2023, वैसे तो हम एग्ज़िबिशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा ही, और मैं एक अभी हाल में एक दूसरी बुक कवर के बारे पर काम कर रही हूँ। मिस्टर बगला की बुक है जिसे पिछले साल आपने किया था ना, जिसे किया था मैंने 7 बुक कवर कर लिया है मिस्टर बगला के लिए। अभी फ़िलहाल वो लिख रहे हैं और मैं उनके बुक कवर
पर काम कर रही हूँ जो कुछ महीनों में लॉन्च होंगे। अच्छा, तो जो अब बांटने का पोस्ट आया है, मैं सोच रही हूँ कि इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप करूँगी, दूसरों के साथ ये कला बांटूँगी। आपके बहुत प्लान्स हैं, बहुत कुछ करना है, और चूँकि आप बच्चों के साथ भी काम करती हैं, तो कुछ ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे बच्चों को कि वे भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े। दरअसल ये जो आर्ट होते हैं, हाँ, ये एक थेरापी भी है। अच्छा, तो मुझे लगता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन एडोलेसेंट से ज़्यादातर यंग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ये कल्टीवेट करना चाहिए कि आर्ट जो है सिर्फ पेंटिंग नहीं है, म्यूज़िक भी हो सकती है या डांसिंग या पोएम लिखना, तो जो भी है जो आर्ट के जितने फॉर्म्स होते हैं उनको एंजॉय करें। हर किसी के अंदर कोई ना कोई कला ज़रूर होता है, उसको उभारना है, उसको उभारना है। जैसे हम जानते ही हैं कि आजकल के नौजवान कितने स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, ऊपर तालीम के स्ट्रेस हैं, प्रेशर हैं, ये सब। तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही मशवरा देती हूँ और आज भी दूसरों को भी ये दे रही हूँ कि कभी भी जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या डिप्रेस महसूस करते हैं तो कोई कला ज़रूर प्रैक्टिस करना, हाँ, ये हमें इन सब प्रॉब्लम्स से दूर रखते हैं। तो नशरीन जी, आपको धन्यवाद कहें, थैंक यू कहेंगे, आपने बहुत अच्छा, सुनने को भी अच्छा लगता है और आपकी जो पेंटिंग्स है वो देखने को भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया आपको, आपको भी बहुत शुक्रिया, आपने मेरे काम को सराहा, मुझे दावत दी है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। रवि जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे प्रोग्राम में आप भी हैं, और हम जानते हैं आप अध्यापक हैं, कॉलेज में काम करते हैं, आर्ट टीचर हैं, और बहुत से बच्चों के साथ आप जुड़े हुए हैं, उनको आप सिखाते हैं आर्ट। तो पिछले साल 2022 आपके लिए कैसा रहा? नमस्ते रत्नमाला जी, तो 2022 मैं मानता हूँ कि काफ़ी ख़ास रहा, क्योंकि जैसे कि 2022 वापस सामान्य होने का एक जैसे वर्ष रहा, क्योंकि उससे पहले तो कोविड-19 महामारी आई थी, तो कला की दुनिया बहुत प्रभावित हुआ था, हम कलाकार दोस्तों के साथ आमने सामने मिल नहीं पाते थे और कुछ दिनों के लिए हमें ऑनलाइन माध्यमों पे एग्जीबिशन करना होता था, लेकिन पिछले साल 2022 से फिर से गैलरी में हमने प्रदर्शनी लगाई और भाग लेने का मौका मिला, तो मुझे भी 2022 में कई कला गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मुझे मिला, जैसे कि मॉरिशस में भी विदेशों में वो ज़्यादातर ऑनलाइन होता था। जी हाँ, तो मॉरिशस में मैंने इसी के साथ विश्व कला दिवस के उस उपलक्ष्य में नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर अफ्रीकन कल्चर में हमने एक प्रदर्शनी में भाग लिया था, और बाद में IGCIC हाई कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित एक और कॉन्क्लेव एग्जीबिशन में हिस्सा लिया था, और बाद में मैंने IGCIC हाई कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित एक और कॉन्क्लेव एग्जीबिशन में मैंने हिस्सा लिया। तो और कॉन्क्लेव एग्जीबिशन भारत के 75th स्वतंत्रता के उपलक्ष में मनाया गया था, उत्सव, हाँ हाँ, अमृत महोत्सव में, हाँ, के उपलक्ष्य में मनाया गया था, और मॉरिशस और भारत के डिप्लोमेटिक रिलेशन के भी 75th एनिवर्सरी, हाँ, के उपलक्ष्य में था। तो और कॉन्क्लेव एक बहुत विशाल प्रदर्शनी थी, हाँ, जिसमें 75 मॉरिशन कलाकारों ने भाग लिया था, हाँ, और उसी दौरान कला के कई रूप को देखने को मिला, जैसे डांस प्रोग्राम बहुत ही संस्कृति से बहुत भरपूर था, हाँ हाँ। तो उसको देखकर और कॉन्क्लेव में भाग लेकर मुझे अति सुखद अनुभव रहा है। रवि जी, मैं सोचती हूँ ये साल भी उतना ही महत्वपूर्ण
है, चुनौतीपूर्ण है, बहुत कुछ करना है। जी हाँ बिल्कुल रत्नामाला जी, और एक कलाकार के लिए तो काम करते रहना है। हाँ। और जब भी हम कोई काम करते हैं तो हरदम लगता है कि हम बेहतर कर सकते हैं, तो ऐसा सिलसिला तो चलता रहता है। तो इस साल भी मैं आशा करता हूँ कि जब भी मौका मिलेगा मैं अन्य कला गतिविधियों में मैं भाग लूँगा। और जैसे कि मैं ज़्यादातर मैं मिक्स मीडिया करता हूँ एक्रेलिक, तो इस साल मैं सोच रहा हूँ कि वाटर कलर को भी वाटर कलर में भी मैं कोशिश करूँगा काम करने के लिए। जी हाँ रवि जी, आप तो बच्चों को सिखाते हैं, कोई मैसेज है कुछ आप बच्चों को बोलना चाहेंगे? जी हाँ, कला की कोई सीमा नहीं होती, और मैं मानता हूँ कि पूर्ण विकास के लिए कला अत्यावश्यक है। जैसे कि स्कूल में कई विषय पढ़ाए जाते हैं और हर एक विषय के अपने अपने महत्व होती हैं। हाँ। लेकिन पूर्ण विकास के लिए ये मेरा अनुभव है कि कला के बिना तो अधूरी सा रह जाती है। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ये उम्मीद है कि कला के छात्र की संख्या अधिक से अधिक हों और छात्राओं जो हैं वो कला को अपने के बहुत सारे फायदे हैं उसका वो आनंद ले। दर्शकों, आप एक ऐसे कलाकार से आपको मिलवाएंगे, इससे आप परिचित हैं, और इनकी विशेषता है इनके कलर्स में, इनके पेंटिंग्स में हमारे जो राष्ट्रीय झंडा है उसके जो कलर्स है, उनके प्रायः सभी पेंटिंग्स में ये कलर्स है, लाल, नीला, पीला, हरा, ये उनकी जो खासियत है। तो आप हैं निश बाबू जी, और इनका जो जो स्टूडियो है निश आर्ट्स, चलिए उनसे हम आपको मिलवाते हैं। निशाल जी, हम जानते हैं पिछले साल आपने बहुत काम किया, आपका बहुत नए नए पेंटिंग्स भी आपने किए और बहुत कुछ आपने किया, थोड़ा सा इस पर आप बोल सकते हैं? तो नमस्ते रत्नावाला जी, तो जैसे आप जानते हैं कि गत साल मैंने अपना जो आर्ट स्टूडियो निश आर्ट स्टूडियो का उद्घाटन किया, वो बहुत अच्छा से हुआ क्योंकि दो इंटरनेशनल आर्टिस्ट आए थे जो डेविड और शॉली, और मेरा एक भाई है मॉरिशस में विक्ष दयाल। तो हमने साथ वो लॉन्चिंग किया उद्घाटन, और एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जीबिशन किया, और वो बहुत अच्छा से उद्घाटन हुआ क्योंकि जो हमारे आर्ट के मिनिस्टर हैं अविनाश चिलक जी वो आए थे उद्घाटन के लिए, और मेरे पिताजी, उसने भी हमने साथ उद्घाटन किया। और अब जो आर्ट स्टूडियो है उसका हम और जो कला को प्रदर्शन करने के लिए कुछ एक्टिविटी करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, और 2022 को कैसे कहते हैं पोस्ट कोविड, उसमें कोविड ने हमें वो इतना वक्त दिया कि हम काम सकें, सोच सकें क्या क्या नयापन ला सकते हैं। तो 2022 को हमने थोड़ा बहुत रियलाइज़ किया एग्जीबिशन के द्वारा। अब 2023 को शायद हम सोच रहे हैं कि देश विदेश से आर्टिस्ट को बुलाएं और वर्कशॉप करें, एग्जीबिशन करें, लेकिन वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम कर सकते हैं, हम जानते हैं क्योंकि मेरे पास एक आर्ट स्पेस है, विक्ष शिवदयाल के पास है, तो सब जो आर्टिस्ट अगर मिलजुल कर कुछ काम करे तो शायद आगे बढ़ सकते हैं। और कई आपने इंटरनेशनल जो है एग्जीबिशन में आपने भाग लिया, तो इस साल भी कुछ ऐसा करने वाले हैं या बाहर के कलाकार को आप बुलवाना चाहेंगे? देखिए, इस साल का इन्विटेशन हो गया क्योंकि वो जो एक मेरा दोस्त है आर्टिस्ट सुबिन, वो टैलेंट में इन्विटेशन किया, लेकिन शायद मैं ना जा पाऊँ। अच्छा। लेकिन मैंने उसको बोला अगर वो लोग आ सके मॉरिशस तो शायद कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन इंटेंशन है कि जो आर्टिस्ट दोस्त हैं देश विदेश का सब लोग मिलजुल कर एक एग्जीबिशन करें। अगर ना भी कर सके तो ऑनलाइन शायद वो ऑप्शन भी है, तो अभी तक सोच रहे हैं।
तो यहाँ पर आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और नया साल जो शुरू हुआ आप लोगों के लिए बहुत ही प्लान्स है, आपको बहुत कुछ करना है, तो ये आशा करते हैं कि आप जो कुछ आपने सोचा वो आप कर पाएंगे और आपकी जो विश है पूरी हो, और हम यही आशा करते हैं सबके लिए साल बहुत ही अच्छा हो, शुभ हो। तो आप लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, और इसी तरह हम पिछले साल प्रोग्राम करते रहे, मिलते रहे, तो और कलाकारों से हम कहेंगे कि आइए आप जो भी करते हैं अगर लोगों को दिखलाना चाहते हैं तो ज़रूर कला प्रोग्राम में आप लोग आए भाग लीजिए। तो बहुत धन्यवाद नशीन, आपको बहुत शुक्रिया, और प्रविता जी, रवीन जी और रश्मि, रवि जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, निश जी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और बहुत सुंदर प्रोग्राम में कर फिर हम मिलेंगे आप सबों को, हमारी ओर से नमस्ते।